जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे रियल टू ट्यून्ज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन में धोखा खाने से बचाना है तो यह 7 बातें गांठ बांध लो। जीवन में कभी भी धोखा का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1, संयम और सतर्कता। आपका जीवन है तो आपके मित्र भी होंगे, और मित्र हैं तो शत्रु भी होंगे, और जिसका कोई शत्रु नहीं होता वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर शत्रु बनाएं। यदि आप अपने हिसाब से अपना जीवन जीते हैं तब भी शत्रु बनना निश्चित है, लेकिन कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो अपने दिल पर ले लेते हैं और आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें अपने शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें अपने शत्रु को काबू में रखना चाहिए। नंबर 2, हमें अपने कपड़े को साफ एवं सुगंधित बनाए रखना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो लोग साफ सुगंधित कपड़े नहीं पहनते उनका सौभाग्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अमीर, धनवान, सौभाग्यशाली बनना है तो हमें जरूरी है कि हम साफ सुगंधित कपड़े पहने। जिस घर में गंदे कपड़े पहने लोग रहते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती है, और उस घर से धीरे धीरे सौभाग्य भी चला जाता है, और ऐसे घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े ही पहनने चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 3, कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें ज्ञान का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। मनुष्य जितना अभ्यास करेगा उसका उतना ही मस्तिष्क कठिन से कठिन सवाल हो उसे वह याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हमें कठिन से कठिन ज्ञान हो, विद्या हो, सवाल हो, हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जैसे निरंतर अभ्यास से मूर्ख मनुष्य भी बुद्धिमान बन जाता है, अगर निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो हम भूलते जाते हैं। इसलिए हमें विद्या हो, ज्ञान हो आदि का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग में बस जाएं। नंबर 4, कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें अपनी काया को निरोगी रखनी चाहिए। मनुष्य भोजन से ही रोगी हो जाता है और भोजन से ही निरोगी, इसलिए हमें संतुलित भोजन नहीं अपितु सुपाच्य भोजन करना चाहिए। मनुष्य भोजन से ही सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही रोगी बन जाता है। ज्यादातर बीमारियां भोजन से ही हमें मिलती हैं, इसलिए हमें रोगों से बचे रहना है तो सुपाच्य भोजन करना चाहिए। नंबर 5, मनुष्यों को व्रत रहना जरूर चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत रहता है उसे कभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत हमारे ग्रंथों पुराणों में बताया गया है। जो मनुष्य व्रत रहता है उसे निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के लिए कुछ नियम है। इस व्रत को फलाहार रहना चाहिए, तभी इस व्रत का फल मिलता है। मनुष्य का कैसा भी चंद्र दोष हो, इस व्रत से सब खत्म हो जाता है। नंबर 6, कृष्ण भगवान कहते हैं घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह की बीमारियां दूर रहती हैं, और अगर मनुष्य इसे रोज सेवन करता है तो उसे कोई भी बीमारी नहीं होती। घर में तुलसी के पौधे को जल देने से अवरुद्ध रास्ता भी खुल जाता है। मनुष्य अगर तुलसी के पत्ते को सेवन करता है तो शारीरिक और मानसिक विकार भी दूर हो जाता है, और अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो बहुत बड़ा फल मिलता है। नंबर 7, कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य मंदिर और धर्म का सम्मान नहीं करता उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। मनुष्य को किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। पवित्र जगह, मंदिर आदि स्थानों पर गंदे काम नहीं करना चाहिए। किसी को गाली, धोखा, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों पर सवाल उठाने वाले को नर्क से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हमें किसी भी कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।